हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिपब्लिक में, एक ऐसी जगह पे, और मेरे साथ रिपब्लिक की फ़िल्म इंडस्ट्री का नूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं साईं वालेकुम सैयद नूर साहब। वालेकुम साईं, सलाम क्या हाल साईं, है? आप सुनाए से ठीक अल्लाह है? पे उस रब मालिक की खास करम है सरकार। साईं, ये जी जो आपने कहा कि जी मैं अकेला फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से काम कर रहा हूँ, जी तो अकेला तो हूँ, आप क्यों नहीं है मेरे साथ? आप जैसे लोगों को आना चाहिए ना मेरे साईं। खुदा का, मैं पाँव पड़ रहा हूँ, मुझे चांस दे दो, मैं तो मर गया हूँ। मेरे खुदा का वास्ते, मैं नहीं, एक रोल छोटा मोटा दे, मैं मर गया हूँ खुदा के। मैं ये रिपब्लिक, ये बनाना वाले ने मेरे को यहाँ बुलाया, पगार अच्छा 15 लाख रुपए। है 15 लाख में आज क्या होता है? एक पर महीना 15 लाख रुपए में, मैं तो कह रहा हूँ मेरी सिर्फ मूछों का खर्चा जो है ना वो 8 लाख है। इतनी मैंने मूछें पाली हुई, यकीन करो है खुदा का वास्ते मेरे को कोई रोल दो। सवाल ये है कि हमने सुना है, मेरे सोर्सेज ने मेरे को बताया कि राहत फतेह अली खान को बाकायदा गीले वाले जूते और चंबे पड़े हैं। अभी जो इस इंडिया गया है ना, इंडिया, वहाँ पे CBI CBC पता नहीं क्या उनके, उन्होंने पकड़ के उसको बाकायदा एक जो गीला करके पट 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 कट झट पट पट झट। अब ये आखिर क्या नहीं, है? आप इसके बारे में क्या कहें? मैं समझता हूँ कि ऐसी उनकी जरूरत नहीं है। हमारा इतना बड़ा स्टार है वो, आया और इतनी जरूरत नहीं है कि हमारे किसी बंदे को इस तरह वो जूते, खुदा ना खासा। मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी जरूरत, लेकिन ये है कि कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी हैं हम लोगों की। हम जब जाते हैं हिंदुस्तान, तो हम पाकिस्तान को भूल जाते हैं, और पाकिस्तान की इज्जत तकद्दस उसको फरामोश कर देते हैं, और पैसे को मद्देनज़र रखते हैं। यही बस मेरा दूसरा सवाल भी इसी से ही है साईं, कि आखिर ऐसा क्या है इंडिया में? ऐसा कौन सा दूध पिलाते, क्या मतलब क्या है आखिर ऐसा वहां पे, कि जो जा रहा है वहीं का हो रहा है, मोई नहीं कर रहा वापस वहां पे। जे वो तो शकील सिद्दीकी, आपका ये आतिफ असलम, ये तुम्हारे जितने भी गए, आने का मूड ही नहीं है, क्यों नहीं, हुआ? आने का मूड नहीं है, भेज दिया लोगों ने, वो तरीके से भेजते हैं, अया इस्तेमाल करते हैं, और ना पाकिस्तान के लिए रहने देते हैं, ना अपने लिए रहने देते हैं। आपने पिछले दिनों में एक नाम जरूर सुना होगा, वीना मलिक। अलावा या उसकी तो बात, तो उसकी तो मैं सर नहीं, बात ना तो आपकी नहीं 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 बस फिर उसके लिए आज साईं मैंने, साईं उसकी बात ना, नहीं मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जल जाऊं, मेरी जुबान खराब मेरी हो जाएगी। टांग टूट जाए, हाँ मेरे बस हाथ दोनों, बस मैं लंगड़ा लूला हो जाऊं अगर मैं हाँ, उसकी बात मेरी करूं। जुबान मैं खराब हो दुआ जाएगी। उठाऊंगा, हाँ उठाए अपने हाथ इस वक्त वीना मलिक और इमरान शाहिद के लिए दुआ करें, उसका आमीन। मुंह बोला भाई अश्मित पटेल के लिए भी दुआ करो। अल्लाह ए मेरे मौला, तू खुद देख रहा है, अब तू ही जान और बिना मलिक जाने। ये कामरान शायद, दुआ करें कामरान शायद के साथ इसकी शादी हो जाए, बच्चे शच्चे हों छोटे मोटे, क्या कहते हैं? नहीं नहीं क्योंकि नहीं ये नहीं इनकी तो कामरान भी हमारा छोटा भाई है, उससे बचाएं, उससे वीना मलिक से बचाएं चल अल्लाह वीना से कामरान को बचा, लेकिन कामरान को भी उसको। वीना से बचा, अल्लाह माफ करे। बहरहाल सही, बहुत बहुत कोई शुक्रिया। हिंदू हिंदुस्तानी मिल जाए उसको, ये दुआ हाँ करें। वो तो मिले हैं हाँ, सही, मिले, बस वो वही उसको ना, खुद वहां, वो और उसको वही खुद, रह जाए, आए ना वापस, ये दुआ अल्लाह करें। करे महेश भट्ट उसको अपनी नौकरानी रख दे, बस वहां पे काम करवाए। आमीन आमीन, बड़े पैसे देगा उसको। आमीन सही, आमीन, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बात सही। बस अभी ये देखा कि रिपब्लिक में ऐसे भी शख्स मौजूद हैं, और माशाल्लाह इनके व्यूज पे आपने देखा। बहरहाल वीना के लिए भी दुआ अल्लाह करेगा, मेरी और एक और जनावर है उसकी दुआ और बददुआ सीधी पहुंचती है। इंशाल्लाह मीना, अब तू गई, देखता हूँ।